सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए अनबॉक्सिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टेट बैंक का नया चेकबुक का फर्स्ट इंटरफेस कैसा होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टेट बैंक की ओर से नया चेकबुक मुझे रिसीव हुआ है। यह चेकबुक बाय पोस्ट मुझे मिला है। यहाँ पे आप इसका सामने का ये लुकिंग जो देखेंगे काफ़ी अट्रैक्टिव और स्मार्ट देखने के लिए लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसमें मेरे पर्सनल डिटेल है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इसी एड्रेस की वजह से यह चेकबुक मुझे पोस्ट ऑफिस के द्वारा रिसीव हुआ। इसका यह पैकेजिंग सामने का यानी कि फ्रंट साइड का देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो एक गर्ल्स का भी आइकन है और इसके जस्ट नीचे में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है SBI की ब्रांच अब आपकी जेब में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चेकबुक से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी है एक लोगो दिया गया है, इसमें से या ATM मशीन से या पैसे निकासी का ऐसे दिया गया है। तो चलिए इसके बैक साइड का भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बैक साइड का भी पैकेजिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी इसमें नॉलेजफुल दिया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में ही लिखा गया है onlinesbi.com, यानी कि स्टेट बैंक का यह ऑफिशियल वेबसाइट है। आप नेट बैंकिंग की सर्विस यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी आप इसमें सर्विस इंस्टेंट सर्विस दिया गया है, एक ब्लूटेन करके यहाँ पे देख सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र करना हो, RTGS NEFT, मैंने तो RTGS NEFT क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत वीडियो बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी डॉट यानी बुलेटिन है, इन सभी ऑनलाइन नेट बैंकिंग से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी और योनो SBI ऐप में होगा तो काफ़ी यह आसान कर देता है। तो यह इसका पीछे का इंटरफेस है। तो अभी तो यह पूरी तरह से पैक है, चलिए मैं आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ कि अंदर से चेकबुक का फर्स्ट लुकिंग कैसा देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से बगल साइड से मैंने कट कर दिया है और इसको जो है मैं ओपन कर रहा हूँ। तो सिंपल है, आपको यहाँ से ओपन इस तरह से आप जो है निकाल दें। और यह ऊपर का जो है पैकेजिंग है जो काफ़ी अट्रैक्टिव, इसको हम लोग साइड कर देते हैं। साइड करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पे सब मैं आपको लाइन लाइन बाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको दिया को बैंकिंग की ये एक तरीके से मेनू कार्ड आप इसको बोल सकते हैं। इसमें आपको कुछ यहाँ पे रूल रेगुलेशन, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि आपको इस चेकबुक में क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी और इस चेकबुक को आपको लेने से क्या प्रॉफिट है, सभी इसमें दिए हैं। एक यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट करके, जैसे कि रेस्टोरेंट में नहीं होता है, आप जाते हैं तो खाना खाने आपको एक स्लिप, आपको क्या क्या खाना है, वैसे ही इस मतलब चेकबुक में आपको कौन कौन से सर्विसेज हैं सब इसमें जो है बहुत ही आसानी से दे दिया गया है। और उसके बाद से आपको इसी में यहाँ पर देखेंगे तो एक स्टेट बैंक का ATM ऐसे करके, या इसका काफ़ी अब ATM को भी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो यह सिंपल है, कुछ बड़े पेज टाइप से होगा और इसके बैक में भी हम लोग चलते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक का यहाँ पे लोगो दिख जा रहा है और इसमें कुछ आइकन्स हैं और इसमें भी आपको ये YONO SBI की सर्विस मतलब दे रही है। इसमें इसका एडवर्टाइजमेंट में किया गया है कि आप YONO SBI सर्विस का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से जो है, चलिए मैं आपको इसको काफ़ी अच्छे से खोलकर इसको दिखा देता हूं। तो इस तरह से कहूं तो यह एक बड़ा सा पेज है, इसमें बहुत सारे सर्विसेज दी गई हैं और उन सभी के बारे में यहां पे RD हो गया और भी जैसे कि टर्म्स डिपॉजिट फीचर्स क्या क्या हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप अकाउंट को ब्लॉक ऐसे ही बहुत कुछ आप कर सकते हैं। इस पेपर में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं दी गई हैं, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। तो सिंपल है, चलिए मैं आपको इस पेपर को साइड कर देता हूँ, उसके बाद से आगे की ओर देखते हैं। और उसके बाद से आपको यहाँ पर एक स्टेट बैंक का एक फिर से कार्ड तरह से मिला है। इस कार्ड में क्या है कुछ खास तो ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। तो यह स्टेट बैंक की ओर से यह भी इसी में जो है बाई पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको इसको भी साइड कर देना है और उसके बाद से आपको यहाँ पे
इसी के अंदर या ऊपर में जो कार्ड मैंने आपको शुरू में दिखाया इसी के जस्ट अंदर यह कार्ड था, तो इसको भी हम लोग साइड कर देते हैं। साइड करने के बाद यहाँ से आपको यह पीछे का यहाँ पे अब डोर स्टेप है यानी बैंकिंग। अब स्टेट बैंक जो है आपको घर बैठे ही यहाँ पे PSB एयरलाइंस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस अवेलेबल, यानी कि PSB जो एलियंस मतलब जो भी लिखा हुआ जो भी अब डोर स्टेप की सर्विस दी गई है। और यदि आप स्टेट बैंक से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहें तो इनको जो है ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप ईमेल भी कर लें। तो चलिए इसका सामने का इंटरफेस देखते हैं। तो इसके सामने का जस्ट इंटरफेस आप देखेंगे तो यहाँ पे जिस पर्सन का यह चेकबुक होगा उसका ऊपर में डिटेल होगा, यह डिटेल्स आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो चलिए आपको इसका फर्स्ट इंटरफेस चेक का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही पन्ना पेज जो है पलट रहा हूँ तो यहाँ पे यह चेक का आप देख सकते हैं कि यह चेक का पहला इंटरफेस है। यहाँ पे चेक और यहाँ पे बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं जो चेक में होते हैं। यह आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर मिलेगा और ऐसे ही आपको चेक को अब किस तरह से भरना है यदि आप भी भरना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चेक जो है काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो ऐसे ही आप भी चेक को यदि मंगवाना भी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो यह चेक आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव और स्मार्ट दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसका फर्स्ट लुकिंग जो है आपने इस वीडियो में देख लिया।